हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक पेनासोनिक का 43 इंच का एलईडी टीवी आया हुआ है रिपेयर के लिए। देखिए, आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसको खोल लिया हूं। इसमें दोस्तों बैकलाइट का प्रॉब्लम है। दोस्तों, बैकलाइट नहीं जल रहा है, तो देखिए इसको बैकलाइट रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो को इन तक देखिए दोस्तों, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपको पैनल को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पैनल को खोल रहा हूँ। वीडियो को थोड़ा स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पैनल को ओपन कर लिया हूँ। देखिए, बैक लाइट दिखाई दे रहा होगा आपको। देखते रहिए दोस्तों, आपको एक एक स्ट्रिप और एक एक एलईडी आपको चेक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखते रहिए दोस्तों, लास्ट तक देखिए वीडियो को, और आपको अच्छी तरह से आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। आगे दोस्तों, इस चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, इस का मैं बैक लाइट आपको फुल प्रोसेस रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक एक करके एलईडी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। देखते रहिए दोस्तों। देखिए, हमारा स्ट्रिप ये ठीक है, जल रहा है। पहले दोस्तों एक एक स्ट्रिप चेक करके आपको सभी स्ट्रिप दिखा देता हूँ, उसके बाद सिंगल सिंगल आपको चेक करके दिखाऊंगा कौन सा मेरा एलईडी खराब है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिप नहीं जल रहा है। देखते रहिए दोस्तों। देखिए, देखिए ये भी हमारा स्ट्रिप जल रहा है। एक एक करके सभी स्ट्रिप को आपको चेक करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखते रहिए। देखिए, ये भी हमारा स्ट्रिप जल रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रिप नहीं जल रहा है। देखिए, ये भी जल रहा है। देखिए, आपको सिंगल सिंगल चेक करके दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। देखिए देखिए, ये हमारा एलईडी नहीं जल रहा है। सभी बारी बारी से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, एक एक करके। देखते रहिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है सभी चेक करने में। देखिए, ये जल रहा है। देखते रहिए दोस्तों। देखिए, सभी एलईडी हमारा जल रहा है। देखिए, ये वाला एलईडी हमारा खराब है। देखिए, टिक लगाया हूँ,
बाकी सभी हमारा एलईडी ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों चेक करने में। देखिए ये वाला स्ट्रिप को अब चेंज कर दे रहा हूँ। सिर्फ एक एलईडी खराब है ये स्ट्रिप में और पूरा स्ट्रिप को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि एक एलईडी भी मैं चेंज कर सकता था लेकिन वैसा करने से हमारा एलईडी ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो स्ट्रिप को ही बदली कर दे रहा हूँ, दो स्ट्रिप खराब है दोनों को मैं बदली कर दे रहा हूँ। देखिए देखिए दोस्तों बदली कर लिए हूँ, दो स्ट्रिप खराब था हमारा। देखिए अभी एलईडी हमारा जल रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी फटाफट से पैनल को फिटिंग कर लेता हूँ। देखिए ये पेपर हमारा ठीक से नहीं बैठ रहा है, एलईडी हमारा गैपिंग थोड़ा ज़्यादा था जो मैंने एलईडी स्ट्रिप लगाया जो, तो पेपर को मैं कट कर देता हूँ। देखिए पेपर को कट कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों कट कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा मेरा टीवी ठीक होता है या नहीं होता है। पेपर को अच्छी तरह से कट कर ले रहा हूँ, अच्छा तरह से बैठा ले रहा हूँ। देखिए अभी पैनल को फिटिंग कर लेता हूँ। देखिए पैनल को फटाफट से फिटिंग कर रहा हूँ, अब फिटिंग करके आपको कारेंट देके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, देखते रहिए लास्ट तक, देखिए तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए कारेंट देके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया है। देखिए अच्छी तरह से आपको फिटिंग कर लिया हूँ, अभी आपको पिक्चर लगा के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों देखिए टीवी ऑन हो चुका है, देखिए ब्लू स्क्रीन आ गया है। देखिए दोस्तों पिक्चर चल रहा है हमारा, बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आगे दोस्तों इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।